आम तौर पर सभी घरों में मनी प्लांट का पौधा पाया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसके लगाने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। इसके साथ ही ये सुख समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, वास्तु शास्त्र में भी मनी प्लांट के पौधे को बेहद खास माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में मनी प्लांट का पौधा होता है, वहाँ कभी भी आर्थिक संकट नहीं पहुँचता और हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हालांकि कुछ गलतियों की वजह से मनी प्लांट का पौधा लगाने से नुकसान भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम आपको मनी प्लांट लगाने के कुछ फायदे तथा नुकसान के बारे में बताएंगे। मनी प्लांट लगाने के चार फायदे। धन और समृद्धि। मान्यता है कि मनी प्लांट की बेल को घर में लगाने से धन और समृद्धि बढ़ती जाती है। यह प्लांट जितना फैलता है उतना धन बढ़ता जाता है। आग्नेय कोण में लगाएं। मनी प्लांट के पौधे को घर में लगाने के लिए आग्नेय दिशा सबसे उचित दिशा है। इससे आग्नेय दिशा का दोष दूर होता है और घर में पॉजिटिविटी आती है। शुक्र ग्रह होता है मजबूत। मनी प्लांट को आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने का यह कारण है कि इस दिशा के देवता गणेश जी हैं, जबकि प्रतिनिधि शुक्र हैं। गणेश जी अमंगल का नाश करने वाले हैं, जबकि शुक्र सुख समृद्धि लाने वाले हैं। कच्ची जमीन। घर में कच्ची जमीन नहीं हो तो मनी प्लांट लगाना जरूरी हो जाता है। आजकल के जमाने में घर अंदर से पूरी तरह पक्के होते हैं, इसलिए घर में शुक्र स्थापित नहीं होता है, क्योंकि शुक्र कच्ची जमीन का कारक है। इसलिए घर में कहीं भी कच्ची जमीन ना हो तो मनी प्लांट लगाना शुभ फल का कारक है। मनी प्लांट लगाने के चार नुकसान। उचित दिशा का हो चयन। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह पौधा घर में सही दिशा में नहीं लगाया गया है तो आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नसों पर डालता असर। यह भी अंधविश्वास प्रचलित है कि मनी प्लांट हमारे नसों पर प्रभाव डालता है। यदि यह उचित रूप से ऊपर की दिशा में विकसित हो रहा है तो अच्छा है, अन्यथा नुकसानदायक है। दूसरों को ना दें यह पौधा। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि अपने घर का मनी प्लांट किसी दूसरे को उगाने के लिए दे देते हैं तो उसके घर की लक्ष्मी या बरकत चली जाती है। उचित पौधा रखें उसके पास। कहते हैं कि मनी प्लांट शुक्र का पौधा है, इसलिए उसके पास शुक्र के शत्रु ग्रहों का पौधा नहीं लगाना चाहिए, जैसे मंगल, चंद्र और सूर्य ग्रहों का पौधा आदि। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से अपने गार्डनर दोस्तों से भी ये जानकारी साझा करें। धन्यवाद।